जैसा कि आपको पता है, 3 मई से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, और जिसके तहत जो भी है दुग्ध प्रतिष्ठान जो खुलेंगे वो 11 बजे तक खुलेंगे, 6 से 11 बजे तक। उसी में ये प्रावधान किया गया है कि जो बेकरी की शॉप्स हैं, ये मिठाई की शॉप्स हैं, ये प्रोसेस फूड की जो शॉप्स हैं, वो शटर डाउन करके दुकान बंद रहेंगी और वो होम डिलीवरी करेंगी। आज हमने जो कार्रवाई की, हमने 3 जगह कार्रवाई की। एक रॉयल बेकर्स है, वहाँ कार्रवाई की है, वो सूचना केंद्र के सामने, तो वो शटर पूरा खोल करके और वो डोर टू डोर वो वहीं पे ही सप्लाई दे रहा था। इसी तरह से शंकर नमकीन पे कार्रवाई की गई है और शिवम स्वीट्स पे कार्रवाई की गई है, उन्होंने भी पूरा शटर खोल करके और वहीं सामान बेच रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 72 घंटे के लिए दुकानें सीज की गई है हमारे। सर, अगर फिर भी लोग लापरवाही करते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई? ये कंटिन्यूसली जारी रहेगी। लापरवाही करते हैं तो उनकी दुकानों के खिलाफ, और अगर सख्त कार्रवाई करने की नौबत आई तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। सर, आमजन को किस तरह की? आमजनों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप नियम पढ़ें, स्वयं अनुशासित रहें। रेड अलर्ट जो जन अनुशासन पखवाड़ा है, उसके तहत मिठाइयों की दुकान या रेस्टोरेंट हैं या प्रोसेस फूड्स जो भी हैं, इन सारे की दुकानें हैं, उनको शटर डाउन रखना है पूरा अपना, और होम डिलीवरी करनी है। पर ये क्या है, इनको कन्फ्यूजन है कि वहीं पे रह करके सामान बेचने की कोशिश करें शटर खोल करके, वो किसी भी तरह से अनुमत नहीं है।